सीहोर जिले के इछावर विधानसभा क्षेत्र में ग्रेसेस होटल में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को संबोधित किया। आइए सुनते हैं गृह मंत्री श्री मिश्रा ने क्या कहा। समूह का गठन है जिसमें शिक्षा से जुड़े सभी सम्मानित मंत्री हैं। पूर्व में ये आपके सामने आ चुका है, आदरणीय विजय शाह जी, आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, आदरणीय मीना सिंह जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, ये इस समूह में रहेंगे। यहां पर एक समूह स्वास्थ्य विभाग का भी बनाया है और एक समूह जो बनाया है वो सुशासन के क्षेत्र में बनाया है, इसको सुशासन समूह का नाम दिया है। इसमें नरोत्तम मिश्रा जी, नीति देवड़ा जी, रजिंद प्रताप सिंह जी, ओम सकलेचा जी, अरविंद भदौरिया जी, इंदर सिंह परमार जी। इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नाम आए हैं, अभी बिसाऊ लोक स्वास्थ्य समूह, बिसाऊ लाल जी, कमल पटेल जी, विश्वास सारंग जी, प्रभुराम चौधरी जी, रामकिशोर जी, ब्रजेंद्र यादव जी और सुरेश धाकड़ जी, एक बाल कल्याण समूह बनाया है। नरोत्तम मिश्रा जी, यशोधरा जी, मीना सिंह जी, प्रभुराम चौधरी जी, उषा ठाकुर जी, इंद्र सिंह परमार जी और सुरेश धाकड़ जी, ये इस समूह में है। सर कोई किसी और आने वाले दिनों में जो थर्ड की जो वेव की बात है उसके बारे में भी समिति बनाएंगे। आज विस्तार से ये भी बात हुई कि हम जितनी ज्यादा विकास की रफ्तार, चाहे वो अटल एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो नर्मदा एक्सप्रेस वे हो, इन सबके काम को तेजी से गति के द्वारा हम प्रारंभ करें। आज राजस्व अर्जन की जो समिति है उसमें जगदीश देवड़ा जी, विजय शाह जी, गोविंद राजपूत जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, राजवर्धन जी और ओपीएस भदौरिया जी इसमें है। के बारे में, सरकार की तैयारी के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, वेंटिलेटर के बारे में, हर विषय पे बिंदु से बात हुई और एक निश्चिंतता का भाव आप सबके माध्यम से जनता तक भी जाना चाहिए कि तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से सरकार सजग है और तैयार है। प्रतिदिन 70,000 से 80,000 टेस्ट मध्य प्रदेश में होंगे। कहीं से भी अगर सिर उठाने की कोरोना कोशिश करेगा तो उसके फन को वहीं कुचलने की तैयारी इस बार हम रखेंगे। आज कोरोना के कारण जो रेवेन्यू लॉसेज हुए, उस रेवेन्यू लॉसेज के लिए भी कैसे पुनः पटरी पर लाकर तेज गति से हम विकास की रफ्तार को दौड़ाएं, उसके लिए भी एक समिति बनाइए जो मैं अभी पढ़ूंगा सम्मानित मंत्रीगणों की। और ये सभी समितियों में मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन में ही बैठक करने का कहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसा आप सबको मालूम है और उसकी व्यापकता, उसमें अनेक विषय, उसकी भी समिति है जो मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा। इसी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारा प्रशासकीय विषय भी रहता है, महिलाओं के उत्थान से समिति समूह का गठन है जिसमें शिक्षा से जुड़े सभी सम्मानित मंत्री हैं। पूर्व में ये आपके सामने आ चुका है, आदरणीय विजय शाह जी,
आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, आदरणीय मीना सिंह जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, ये इस समूह में रहेंगे। यहां पर एक समूह स्वास्थ्य विभाग का भी बनाया है और एक समूह जो बनाया है वो सुशासन के क्षेत्र में बनाया है, इसको सुशासन समूह का नाम दिया है। इसमें नरोत्तम मिश्रा जी, रुदी देवड़ा जी, गजेंद्र प्रताप सिंह जी, ओम सकलेचा जी, अरविंद भदौरिया जी, इंदर सिंह परमार जी। इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नाम आए हैं, अभी विसाऊ लोक स्वास्थ्य समूह विसाऊ लाल जी, कमल पटेल जी, विश्वास सारंग जी, प्रभुराम चौधरी जी, रामकिशोर जी, ब्रजेंद्र यादव जी और सुरेश धाकड़ जी, एक बाल कल्याण समूह बनाया है। नरोत्तम मिश्रा जी, यशोधरा जी, मीना सिंह जी, प्रभुराम चौधरी जी, उषा ठाकुर जी, इंद्र सिंह परमार जी और सुरेश धाकड़ जी, ये इस समूह में है। और आने वाले दिनों में जो थर्ड की जो वेव की बात है उसके बारे में भी समिति बनाएंगे। आज विस्तार से ये भी बात हुई कि हम जितनी ज्यादा विकास की रफ्तार, चाहे वो अटल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो नर्मदा एक्सप्रेसवे हो, इन सबके काम को तेजी से गति के द्वारा हम प्रारंभ करें। आज राजस्व अर्जन की जो समिति है उसमें जगदीश देवड़ा जी, विजय शाह जी, गोविंद राजपूत जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, राजवर्धन जी और ओपी मुकेश भदौरिया जी इसमें है। राजनीतिक जैसे आपने पूछा ना नगरी निकाय चुनाव का, तो अभी चूंकि चुनाव में देरी थी इसलिए वो विषय पर चर्चा नहीं की गई। और ये सरकार किसी भी क्षेत्र में अगर कोई सही जानकारी मिलती है सुधार को सदैव पर्याप्त तैयार रहती है। आज सीएम नायर स्कूल के बारे में भी चर्चा हुई है और उसमें ये तय किया है कि कोई भी भ्रम इसमें भी न फैले कि अब फलाना स्कूल बंद होगा तब सीएम डायर स्कूल खुलेगा या फलाना स्कूल बंद होगा, कोई सब यथावत चलेंगे। ये नया कंसेप्ट होगा जो देहात में खोला जाएगा। एक रोजगार की जैसे मैंने चर्चा की थी, नौजवान को रोजगार देने के लिए जो रोजगार समूह का गठन किया है उसमें आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, आदरणीय भूपेन्द्र सिंह जी, श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, श्री ओम सकलेचा जी, श्री उषा ठाकुर जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, श्री राजवर्धन सिंह जी और श्री मोहन यादव जी। कृषि के क्षेत्र में जो कृषि समूह का गठन किया है वो क्रम इस प्रकार से है। इस अभियान को चलाने में आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। एक अन्य विषय में आज तय किया है कि जो हमारे दिवंगत इसमें बच्चे के फादर मदर हो गए थे अथवा सास की सेवा में काम करने वाले, वो किसी भी स्तर के हो, चाहे नगर निगम के, नगर पालिका के संविदा पे हो, वो उसी रैंक की भर्ती उनकी की जाएगी और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण स्वयं अनुकंपा नियुक्ति का तत्काल नियुक्ति का पत्र देने के लिए स्वयं जाएंगे।